हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? तो गाइस, आज हम बनाएंगे भिंडी की मसालेदार सब्ज़ी। ये खाने में बेहद ही टेस्टी आती है, तो आप सब भी बनाएं और बहुत आसान होता है बनाना। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो हमने लिया एक पैन, उसमें भिंडी मैंने कट कर लिया है पहले से वॉश करके। इसको हम फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। 1 टीस्पून ऑयल लिया है मैंने, तो चलिए इसको फ्राई कर लेते हैं। तो ऐड किया है 1 टीस्पून लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, और इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ बेसन 1 टीस्पून के करीब। तो हल्दी, बेसन और मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, इन तीनों को मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। तो हमारा बेसन जो है इसके साथ लटपटा सा आ जाएगा और अच्छे से भुन जाएगा। मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार खाएं, आपको ज़्यादा खाना है तभी डालें, कम खाना है तो थोड़ा कम डालें। भिंडियों को लो टू मीडियम फ्लेम में ही करना है, और हमारी भिंडियों का कलर चेंज हो चुका है तो हम इनको निकाल लेंगे। और इसी पैन में मैं बनाने वाली हूँ सब्ज़ी, आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, मैं तो इसी में बनाने वाली हूँ। इसमें थोड़ा 1 टीस्पून के करीब तेल मैंने और डाला है, 2 से 3 टीस्पून, आप चाहें तो थोड़ा कम भी डाल सकते हैं। इसमें डाला है मैंने ज़ीरा, 1 टीस्पून के करीब ज़ीरा डाला है। अदरक लहसुन का बारीक कटे कटे टुकड़े डाले हैं मैंने, 2 से 3 कलियां हैं लहसुन की, अदरक का छोटा सा टुकड़ा है। और प्याज लिया है मैंने 1 से 2, मिर्च 2 से 3, हरी मिर्च, इन सबको कट कर लिया है मैंने। और कट करके देखिए इस तरह से मैं प्याज को भून लूँगी। प्याज में डाला है मैंने नमक थोड़ा सा, इससे क्या होता है कि हमारा जो प्याज है, प्याज का कलर जल्दी से चेंज हो जाता है, जल्दी पक जाती है। तो ये देखिए, हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे। इसमें डाला है मैंने लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, ये तीखी होती नहीं गाइस, इसलिए मैं इसमें मैंने फिर ऐड किया है, आप चाहें तो ऐड करें, ज़्यादा नहीं खाते हैं तो मत ऐड करें। तो ये देखिए, तो हमारे मसालों का कलर चेंज हो चुका है। इसमें मैं डालूंगी टमाटर की प्योरी, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून के करीब मैं डाल दूंगी, मिक्स करूंगी, और धनिया पाउडर भी 1 से 1.5 चम्मच डाल दूंगी।
और गरम मसाला 1 टीस्पून के करीब। इन सबको मैं मिक्स कर लूँगी और इनको थोड़ा सा भूनने के बाद मैं इसमें टमाटर की प्योरी डालूँगी। इससे क्या होता है, मसाले बहुत अच्छी तरह से पक जाते हैं, अच्छेपन का स्मेल नहीं आता है, इसलिए मैं इसी तरह से बनाती हूँ। आप भी ट्राई करें। अब मैं ऐड कर रही हूँ टमाटर की प्योरी, 1 से 2 टमाटर हैं ये। इसको मिक्सी मैंने चला लिया था, तो अच्छी तरह से मिला लूँगी। देख सकते हैं मसालों का कलर चेंज हो चुका है हमारे। साइड से तेल छोड़ दिया, अच्छी तरह से पक गया है, तो हमें एकदम इसी तरह से चाहिए था। इसमें ऐड कर रही हूँ मैं दही 1 टीस्पून। फ्लेम को कर दिया है मैंने बंद ताकि हमारी दही फटे ना, और इसको पहले मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से, फिर ऑन करूँगी। ये देखिए इस तरह से हम कर लेंगे मिक्स। तो ये देखिए अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा पानी ताकि दही और मसाला दोनों अच्छी तरह से पक जाए। इससे हमारी भिंडी जो है बहुत टेस्टी बनने वाली है गाइस। आप सब भी एक बार ट्राई ज़रूर करें इस तरह से बनाने की। स्वादानुसार नमक और 1 से 2 मिनट के लिए मसालों को पकाएंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे भिंडी। तो आप देख सकते हैं भिंडी का कलर और हमारे मसालों का कलर कितना बढ़िया गोल्डन कलर आ चुका है गाइस। बहुत ही टेस्टी बनने वाली है सब्जी। आप सब भी इसी तरह ट्राई करें और कमेंट करके बताएं कैसा बना है। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर मेरा वीडियो आप सबको पसंद आता है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो इसमें मैं ऊपर से गार्निशिंग कर रही हूँ धनिया पत्ता से, और मेरी सब्ज़ी अब सर्व करने के लिए तैयार है। तो चलिए फट से सर्व करते हैं। नेक्स्ट रेसिपी क्या देखना चाहते हैं आप सब बताएं। तो देखिए गाइस, सब्जियों का कलर और सब्जी एकदम परफेक्ट दिख रही है। तो आप सब भी ऐसे बनाएं और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए बाय बाय।